कपाली में T&B नर्सिंग होम का हुआ उद्घाटन। अब कपाली के लोगों को भी मिलेगी सही स्वास्थ्य सुविधाएं। बेहतर स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है, इसी उद्देश्य के साथ कपाली पार्टी पैलेस के ठीक सामने T&B नर्सिंग होम का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह का शुभारंभ ईचागढ़ की माननीय विधायक सविता महतो, पूर्व कपाली नगर परिषद अध्यक्ष शोभा रानी महतो के हाथों रिबन काटकर किया गया। साथ ही इस उद्घाटन समारोह में शहर के कई प्रसिद्ध डॉक्टर्स मौजूद रहे, जिनमें एक नाम डॉक्टर ओम प्रकाश का भी शामिल है। संचालक ने बताया कि T&B कपाली का एक ऐसा नर्सिंग होम है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ 24/7 इमरजेंसी सुविधा मौजूद है, यानी अब कपाली के लोगों को इमरजेंसी में कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, इस नर्सिंग होम के एक ही छत के नीचे डिलीवरी रूम, OT, ICU, बेबी केयर यूनिट, चाइल्ड वार्ड, मेल फीमेल वार्ड, फार्मेसी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, एम्बुलेंस सेवा समेत कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी। T&B नर्सिंग होम के बारे में नर्सिंग होम के चेयरमैन मोहम्मद तफशीर और तौकीर आलम ने बताया कि जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, तो कपाली के लोग भी इस महामारी की चपेट में आए थे और लोग बेहतर इलाज के लिए बेहतर हेल्थ सेंटर की तलाश में थे, लेकिन कपाली में ऐसा कोई हेल्थ सेंटर नहीं था, जिस कारण उस समय की समस्याओं को देखते हुए आज इस नर्सिंग होम का उद्घाटन किया गया है, ताकि यहाँ के लोग बेहतर इलाज से वंचित ना रहें। साथ ही नर्सिंग होम के डायरेक्टर ने बताया कि इस नर्सिंग होम में शहर के कई मशहूर डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देंगे। देखिए, यहाँ इस तरह का कोई नर्सिंग होम नहीं था। हमने लास्ट कोरोना के टाइम में देखा, यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। इवन एक पैरासिटामोल के लिए भी उनको बहुत लंबा टाइम लगाना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। तो उस चीज़ को, उस आइडिया को माइंड में रखते हुए हमने ये नर्सिंग होम का यहाँ कंस्ट्रक्शन किया है, इस्टेब्लिश किया है इसको। इस नर्सिंग होम में आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, जिससे यहाँ के कपाली क्षेत्र के लोग दूसरी जगह नहीं जाएंगे, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ यही मिलेगी। उनको एक ही छत के अंदर फार्मेसी है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है और OT है, ऑपरेशन है। हर तरह के अच्छे और पैमाने के डॉक्टर हैं हमारे साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश आपके साथ बैठे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सहयोग है इनका, हमारे साथ बराबर का। और ये जो नर्सिंग होम है, इसमें सबसे स्पेशल चीज़ जो है वो मैं बताऊँ, इसमें हमने जो डिलीवरी रूम जो रखा है वह बिल्कुल एक 3D मॉडल के हिसाब से रखा है, जिसमें जो भी लेडीज़ जिस पेन से यहाँ आएंगी, वो उनको भूल करके बिल्कुल रिलैक्स होकर के वो यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराएंगी। और मेरा हम लोगों का पूरा T&B ग्रुप वालों का मेन मोटो ये है कि यहाँ के लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी परेशानी नहीं हो, और वो एक अपने महल्ले में ही, अपने एरिया में ही हर तरह की एक ट्रीटमेंट करवा लें। 24/7 इमरजेंसी है, एम्बुलेंस भी सर्विस अवेलेबल है, डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, OPD हमारे पास अवेलेबल है और फार्मेसी भी अवेलेबल है। तो जैसे भी कोई पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी के लिए आता है, हम उसके लिए रेडी टू ऑपरेट करने के लिए रेडी हैं पूरी तरह। अभी डॉक्टर हमारे पास गायनोलॉजिस्ट में डॉक्टर अपरवीन है, ऑन कॉल भी हैं डॉक्टर साजिद भी हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ भी हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश भी हैं और बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऑन कॉल पे हैं। डॉक्टर अब हमारे सर्जन के भी डॉक्टर हैं जो अवेलेबल हैं ऑपरेशन के लिए राउंड द क्लॉक। तो हमारे पास हर तरह के इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए हमारे पास पूरी टीम रेडी है। हमारे जो पास जो नर्स है, जितनी भी नर्स है, वो ऑलमोस्ट 5 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस है और JNM और ANM क्वालिफाइड हैं सब नर्स हमारे पास। इनको पर्सनल हम लोग अपने वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग देते हैं कि कस्टमर से कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, और रेडी टू ऑपरेट के लिए इनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं। थर्ड एजेंसी से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं इनको कि फर्स्ट एड कैसे करना है, अगर डॉक्टर किसी तरीके से कहीं दूसरे पेशेंट के साथ बिजी हैं तो कैसे हैंडल करना है, कैसे पेशेंट के साथ ट्रीट करना है, ये हम पूरा टोटली इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं एक प्रोफेशनल लैंग्वेज की तरह से, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की तरह से। हमारा हाइजीन पे हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा और जिसकी वजह से बहुत सारे नर्सिंग होम यहाँ चल रहे हैं, जिसका मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट मैनेजमेंट से रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, लेकिन हमने Day 1 में वेस्ट मैनेजमेंट से रजिस्टर कराया है। हमारा वेस्ट जो भी मेडिकल वेस्ट होगा वो एक ऑफिशियली एक जगह हमारा डिस्पोजल होगा। नर्सिंग होम की अगर आप हाइजीन की बात करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो नर्सिंग होम के हाइजीन पे ही है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर के G4 तक हमारे पास स्पेशल स्टाफ को रखा है हमने, जो मैनेज करेंगे ये हाइजीन को और क्लीनिंग को और हाउसकीपिंग को। हार्ट डिजीज के लिए लोग आ सकते हैं हमारे पास, लेकिन क्या है कि अभी इनिशियल स्टेज है और डॉक्टर्स के हमारे पास अभी इन लाइन है
तो अगर ऐसा नॉर्मल इशू है या एवरेज कोई कंडीशन है तो हम लोग रेडी टू ऑपरेट हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है या इनको ऐसा लगता है कि बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम उनको फॉरवर्ड करेंगे दूसरे मेडिसिन में। हमारे पास एम्बुलेंस की भी सर्विस अवेलेबल है तो हम अपने एम्बुलेंस उनको फॉरवर्ड करेंगे दूसरे हॉस्पिटल में। माई नेम इज़ मोहम्मद तफसीर, आई एम द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ TNB ग्रुप एंड TNB नर्सिंग होम इज़ वन ऑफ द एंटिटी ऑफ TNB ग्रुप। तौकीर आलम है और हम लोग चेयरमैन TNB नर्सिंग होम के चेयरमैन हैं और इस बोर्ड के हम लोग मेंबर हैं। एक्चुअली कोरोना के टाइम से हम लोगों ने बहुत कुछ इस एरिया में देखा था कि यहाँ पे मेडिकल का सुविधा उतना अच्छा नहीं था, तो हम लोगों ने उसी टाइम ये प्लान किया था कि इस एरिया में एक ऐसा हॉस्पिटल का ओपन किया जाएगा जिससे इस क्षेत्र के लोगों को सही तरीके से रिजनेबल प्राइस में एक अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिलेगा, ताकि यहाँ के लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उस पर्पज़ से हम लोगों ने TNB नर्सिंग होम का आज ओपनिंग किया है और इस हॉस्पिटल के अंदर में आप एक बार जब एंट्री करेंगे तो फिट होने के बाद ही आपको इस हॉस्पिटल से एग्जिट करने के लिए सोचना पड़ेगा। सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, अल्ट्रासाउंड से लेके एक्सरे मशीन, पैथोलॉजी, एक से एक डॉक्टर हमारे पास में अवेलेबल हैं, सारे के सारे MBBS है और यहाँ पे किसी तरह की कोई ऐसी आपको परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे आप ये सोचेंगे कि हम यहाँ जाने के बजाय किसी और हॉस्पिटल में चले जाएं। कुछ हमारे पास में अवेलेबल रहेगा। जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए भी हमारे पास में ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि रेड कार्ड है या हेल्थ इंश्योरेंस है, इस ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और डे बाई डे इसके ऊपर भी हम लोग काम करके उसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे और जो लोग फाइनेंशियली वीक है उनको भी हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा। जी प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस में है, जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के थ्रू पब्लिक को अवेयर किया जाएगा या और किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को इस बारे में बताया जाएगा, बट ये अभी अंडर प्रोसेस है, यह अभी चालू नहीं है हमारे नर्सिंग होम में। डॉक्टर ओम प्रकाश हूँ और यहाँ पर जो भी जनरल फिजिशियन का केसेस आएगा सारा केसेस हम आकर के खुद अपने से हैंडल करेंगे, जैसे कि किसी भी तरह का मलेरिया हो गया, बुखार हो गया या इस सब से फिजिशियन के तौर पर जो भी डिजीजेज होते हैं सारे डिजीजेज को हम खुद यहाँ से हैंडल करेंगे। अगर सपोज कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हुआ या किसी भी तरह का उस तरह का चीज़ें आई तो हम लोग के पास सपोर्टेड हॉस्पिटल भी हैं जहाँ पर हम लोग शिफ्ट करके ICU की सुविधाएँ दे सकते हैं।